अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हमारा काम वहीं पर ही रुका हुआ है जहां पर कल आपने देखा था, क्योंकि आज हमारे मिस्त्री नहीं आए। फाउंटेन का काम वहीं पर रुका हुआ है जो कल आपने देखा था। और मौसम यार आज अच्छा हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। काले बादल हैं, शायद अभी बारिश आ जाएगी, लगता है ऐसे है, लेकिन रोज़ लगता है मुझे। अब पता नहीं, रोज़ लगता है बारिश, तुम कहते हो आएगी, मुझे लगता है अपना कहते हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ भाई बारिश आज रात को आएगी। तुम लिख लो कल सुबह बारिश होगी यहाँ। खैर यार, मुझे बारिश की इतना आज एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि यार हमें हमारा ईगल छोड़ के चला गया है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, हम बार बार कह रहे थे कि यार डायमंड और ईगल को कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब मैं आया ना सेटअप पर, तो मुझे अपना ईगल थोड़ा सा बीमार लगा। मैंने उसको जल्दी से रानीखेत दी और लहसुन खिलाया, लेकिन उसके बाद दोपहर को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बाद यार अभी थोड़ी देर पहले हमारा ईगल एक्सपायर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वो देखें यार, हमारा ईगल एक्सपायर हो गया है और उसके पीछे हमारा छोटा सा चिक भी एक्सपायर हो गया है। जो ही यार मैंने देखा ना कि ये सीन हो रहा है, तो मैंने सब मुर्गियों को बाहर छोड़ दिया, क्योंकि मास्टर केज में यार वायरस भर गया है। अब मास्टर केज में यार कोई भी चिकन जाएगी ना बीमार हो जाएगी। मैंने अपना डायमंड, अपने गंजे चिक्स और मुर्गियों को सबको बाहर छोड़ दिया, और अंदर मैंने इनको नहीं रखा। मेरे दिल में था कि यार हमारा नया सेटअप देखेंगी, एक नई लुक आएगी, बहुत इनको भी देखने में अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील करेंगी, लेकिन यार ऐसा नहीं हो पा रहा। सारी मुर्गियाँ ऐसा ऐसा करके बीमार हो रही हैं और मर रही हैं यार, अचानक से मर रही हैं। तो खैर दुआ कीजिएगा यार हमारी मुर्गियाँ ठीक हो जाएँ, जो बची हुई हैं हमारी बाकी मुर्गियाँ वो ना मरें, सेव रहें। अच्छा यार इसको रहने दो सिप्टैन, जल्दी नीचे आओ, उनको दफनाना भी है, काफ़ी टाइम हो गया वो मरी हुई है। अच्छा अच्छा, आओ बस छोड़ो इसको, काफ़ी है, इतना बारिश वैसे भी बनी हुई है, हो जाएगा छिड़काव जितना कर। ये बात भी सही है तुम्हारी। आ जाओ आ जाओ, चलो उठा लो उठा लो जल्दी से, ये छोटे वाला चिक भी उठा लो। वैसे अचानक क्या हुआ होगा इसको यार, बिल्कुल ठीक था, एक्टिव था ये यार। कल मैं खुद हैरान, सुबह जब मैंने देखा है ना, पता नहीं क्या सीन हुआ यार, मुझे लगता है कि नज़र लगती होगी सिप्टैन यार। नहीं ऐसा नहीं होता यार, हमारी खुद की नज़र लग सकती है ना। कल हम जैसे कह रहे थे हमारे डायमंड और ईगल को कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेटेड है, हमारी नज़र ही लगी है यार। ऐसा अचानक से ईगल कैसे बीमार हो सकता है? ये बात भी है, रात के अंदर और एक ही दिन के अंदर एक्सपायर हो गया यार। दो तीन दिन तो यार परिंदा सर्वाइव कर लेता है ना। सही बात है यार, यार बस बाकी ठीक रहे, अल्लाह करे इनको कुछ ना हो, जल्दी दफना लेते हैं तो। चलो चलो, इधर इधर दफना दो, यहाँ पर सही है। हाँ कर लो, ये मुझे दो, ये रख दो वहीं पे ही। छोड़ के चला जाएगा, बस नसीब उसका। चलो सिप्टैन, अब सबसे पहले हमने मास्टर केज को यार धोना है। हाँ, बहुत ज़्यादा खतरा आ गया है। और डेटोल वगैरह लगाते हैं ताकि जो भी जरा सीम वगैरह है ना, बिल्कुल तो उनको मार देते हैं। ठीक है यार, चलो यार चलो। भाई सबसे पहले जो भी चूजे हैं ना नीचे फिर रहे हैं, जो जितने बच गए, एक ही रह गया बस छोटा, चार मर गए हैं यार। पूरे मास्टर केज को हम नीट एंड क्लीन कर देते हैं, फुल अपना जोर लगा के ना, ताकि सारा ये मास्टर केज साफ हो जाए, और जो बाकी हमारे परिंदे हैं वो बाहर ही रहेंगे, तो जब तक हम साफ भी कर लेंगे। Thank you.
यार सफाई तो भाई बहुत जोरों शोरों से जारी है। तुराब भाई लगे हुए आज अकेले में, मुझे आज इन्होंने पत्नी रेस्ट दिया हुआ है, पत्नी क्या इन्होंने मतलब सोचा है मेरे बारे में ऐसा कि भाई बहुत मेहनत करता है ना बच्चा, तो इसलिए आज खुद ही लगे हुए, मुझसे पूछा ही नहीं। अच्छी बात है यार, काम करना चाहिए। जब बंदा 50-50 कर लेता है ना तो इजी रहता है उनके लिए भी, कभी मैं उनके काम कर लिया करूँगा, कभी वो मेरे काम कर लिया करेंगे, इसलिए फिर बैलेंस रहता है सब। और एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, अभी तेज़ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और मुझे लगता है थोड़ी ही देर में यहाँ पे बारिश भी आने वाली है, वो भी देखते हैं कि कितना जल्दी आती है। मैं तो मतलब बस अभी कि अभी आज है बारिश, मैं तो आज नहाना है फुल टाइम बारिश में, और हवा तो तेज़ तेज़ आने लग गई है और मज़ा आने वाला है यार बारिश का, इन्जॉय करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आएगी अगर आई तो, वैसे आएगी 100% में श्योर हूँ, फिर भी कुछ भी हो सकता है भाई, पता नहीं क्या होता है। लेकिन अभी तो भाई साहब सफाई कर रहे हैं फुल टाइम लगे हुए हैं, इधर हैं। हाँ ये देखें, यहाँ पे सारा पानी भर चुका है और यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे भी फंस रहा है पानी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे निकासी थी ना जो, वहाँ पे पानी आके कचरे की वजह से ना फंस जाता है। मैं भी खोलता हूँ इसको, ये यहीं कहीं होगा, ये इधर ही, हाँ ये है, ये यहाँ पे कचरा फंस जाता है ना, पानी फिर नीचे नहीं जा पाता, तो मैंने इसको खोल दिया है, थोड़ी देर बाद फिर फंस जाएगा ये। हाँ जी, अभी फुल तेज़ हवा नहीं है यहाँ पे, जब आंधी आती है ना वो भी, मैं कहता हूँ अभी आए फिर आपको दिखाऊँ कितना तेज़ आंधी आती है यहाँ पे बारिश से पहले। अभी तो ये कुछ नहीं है उसके सामने, तो हमारे लिए तो बहुत ठंडी ठंडी हवा है। ये सारा एरिया जो है ना साफ हो चुका है, तो शुक्र है। पता नहीं यार आज इसने मुझे बुलाया नहीं कि यार आओ मेरी हेल्प कराओ, पता नहीं इसको कौन सा दुख लगा है, ईगल का कुछ ज़्यादा ही दुख इसने दिल पे ले लिया है, तो सारी की सारी मास्टर के इसको खुद साफ कर लिया अकेले में, क्या ही बात है। तो यार जब तक ये साफ करता है ना, मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, हमारे लकी कबूतर जो थे ना उनके अंडों को तकरीबन हो गए 20-22 दिन हो गए, अब तक बच्चा निकल आना चाहिए या जिंदा या मुर्दा, इसलिए अभी मैं चेक करता हूँ कि अभी तक बच्चे निकले हैं उसके या नहीं निकले। हमारे लकी कबूतर शायद अंदर ही हैं, बाहर नहीं हैं। ये देखें उसकी माँ जो है ना इनक्यूबेट कर रही है, अंडों को कर रही होगी या बच्चों को कर रही होगी, एक चीज़ हो रही होगी अंदर, तो चेक करते हैं। देखिए सारे कबूतर देख के डर गए और आवाज़ें करने लग गए मुझे। चलो मैं देख लेता हूँ यार कि अंडे हैं या बच्चे हैं। वो मार रही है मुझे यार, बड़े ज़ोर से मार रही है यार आज तो, लगता है कुछ ना कुछ तो है अंदर। चुप करो चुप, ओई तुराब यार, बच्चे मरे हुए हैं, बच्चे मरे हुए हैं। मजाक कर रहा हूँ तुराब से, वो लकी कबूतर के बच्चे मरे हुए हैं दोनों। ओए निकल गए मरे हुए सारे, सारे बच्चे मरे हुए हैं देखो। मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। आओ यार जल्दी आओ, देखो एक मिनट यार अंदर पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ यार। आज एक और सैड न्यूज़ हमें मिल गई, लकी कबूतर के दोनों बच्चे जो है ना मरे हुए हैं। तो यार थोड़ा लकी कबूतर के दोनों बच्चे एक दिन में निकल रहे हैं, तो एक दिन में निकल रहे सुबह तक तो एक भी नहीं था, तो दोनों नहीं एक दिन निकल सकते, दोनों एक दिन तो कभी नहीं निकल सकते भाई। अभी निकले हुए वो भी मरे हुए, जब मरे हुए निकलते हैं ना दोनों एक दिन निकलते हैं, है ना। देख लो भाई, तो भाई मैंने सुबह देखा एक बच्चा निकला मुझे बच्चा वही मरा हुआ है ना, वही एक जो था। हाँ जी बस था यार, ये मरे हुआ है देख लो गौर से, नहीं आती है निकला नहीं हुआ। अच्छा जिंदा ही है, इसकी सांस की आवाज तो नहीं आ रही मुझे लेने की, हटो यार ऐसे खाम खा। चलो यार मैंने मजाक किया था वैसे, मजाक नहीं बना आपका। अच्छा मेरा ही बन गया मजाक। हाँ जी देखो सिप्टेन कहाँ है हमारे स्ट्रॉबेरी फिंच, उड़ तो नहीं गई यार सफाई के दौरान। नहीं नहीं इधर ही थी, मैंने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, नहीं आ रही सिप्टेन बाकी नहीं नजर आ रही, उड़ गई भाई सीरियसली उड़ गई, पक्का उड़ गई। अबे ये बैठी, ये बैठे बैठे ये देखो इधर, ये देखो ये बैठी है, छोटी सी है नजर ही नहीं आती यार, इतनी छोटी है। और यार आप सोच रहे होंगे कि मास्टर केज बिल्कुल खाली हो गया, खाली इसलिए हुआ है, एक तो परिंदे हमारे ऐसे ऐसे करके उड़े हैं और दूसरा हमारा जो काम हो रहा है ना काम खत्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम मास्टर केज को काफी अच्छा बनाएंगे। देखो इनका जोड़ा, अरे वाह
यार ये तो वही कबूतर है सफेद जो हम दो नहीं लाए थे सितें। हाँ नए कबूतर जो लाए थे ना दो, उनमें से एक किया। फीमेल थी ना। हाँ जी इसके साथ लग गया। अरे वाह काफी टाइम के बाद सितें। हाँ पहले कब से लगा हुआ है यार ये अंडे नहीं दे रहे। तो काफी देखा है इसको कबूतरी बिल्कुल अकेली अकेली घूमती थी, कबूतर भी अकेला अकेला घूमता था, और आज देखो इनका जोड़ा लग चुका है दोस्तों। उसका भी जोड़ा लग गया मुझे लगता है इसके साथ। पता नहीं ये अकेली बैठी है भाई ये देखो। नहीं ये तो और है, ये तो वो दूसरी है। उसका जोड़ा इस शिराजी के साथ लगा है, पता नहीं किसके साथ लगा है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। और इधर भी एक अंडा आया हुआ है, ये किसका है? कुछ बाजी कबूतर। हाँ बाजी कबूतरों ने। यार इन्होंने तीन दफा अंडे दिए हैं और तीनों दफा बच्चे नहीं निकले। अल्लाह करेगा अब जो इसने अंडे दिए हैं इनके अंदर से बच्चे निकलेंगे। दुआ कीजिएगा आप भी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है इनके बच्चों को देखने का। इधर जगह बनाई थी तो आपने शायद नरम जगह देखे, आराम से गंजी मुर्गी ने भी अंडा दे दिया और असील मुर्गी ने भी दे दिया, हमारी वाइट वाली ने जिसको हमने अभी उठाया था कुड़क से। तो ये देखे जी दो अंडे आ चुके हैं, तो इनको मैं इधर रख देता हूँ। हमारा ईगल तो यार चला गया, मुझे बहुत दुख भी हुआ है, बेचारा नया सेटअप नहीं देख पाया हमारा। लेकिन साथ में आज एक खुशी की न्यूज़ ये मिल गई कि लकी कबूतर ने फिर से बच्चे दे दिए। उनके एक पहले वाले बच्चे तो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दे दिए थे, और देखें अब दूसरे बच्चे भी आ गए हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।